डॉक्टर के पास पेट दर्द, पेट में जलन, बदहाजमी की समस्या लेके जाते हैं, डॉक्टर आपको बता देते हैं आपको गैस्ट्राइटिस हुआ है। बार बार जा रहे हैं, डॉक्टर ने कहा आपको क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हुआ है। क्या है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, कितने तरीके की क्रोनिक गैस्ट्राइटिस देखने को मिलती है, इसके अलावा क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ये बार बार गैस्ट्राइटिस हो सकती है, आइए समझते हैं इस छोटी सी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत यादव स्वागत करता हूँ आपको इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग समझेंगे कि आखिर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस क्या है, कितने तरह की होती है, इसके अलावा क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से हमको गैस्ट्राइटिस बार बार हो रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपका टोटली मेडिकल और साइंटिफिक डेलीब्रेशन पे बेस्ड है। बात करें दोस्तों क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की, उससे पहले समझते आखिर गैस्ट्राइटिस है क्या। गैस्ट्राइटिस दोस्तों पाचन तंत्र की ऐसी समस्या है जिसमें आपकी जो पेट के अंदर वाली दीवार, जिसको हम लोग म्यूकोसा बोलते हैं, उसमें आपकी सूजन हो जाती है। इसको हम लोग गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। सूजन की वजह से हमें पेट में दर्द भी होगा, हमें पेट में जलन सी भी महसूस होती है, ऐसा लगता है कुछ खा लिया है तो पेट में भारीपन है, खाना हमारा सही से नहीं पचता, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। बात करें दोस्तों कि आखिर ये गैस्ट्राइटिस, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कितने तरीके की होती है, टाइप 1, टाइप बी, टाइप सी। टाइप ए क्या होती है, टाइप ए क्रोनिक गैस्ट्राइटिस ऐसी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से हो रही है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर किसी वजह से एसिड का सिक्रीशन बढ़ा हुआ है, आपको ऑटो इम्यून समस्या है, तो आपको क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो सकती है। किसी किसी का इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज होता है। इम्यून सिस्टम की बात करूं, जैसे हमारे शरीर में एक सिस्टम है इम्यून सिस्टम, आपके बॉडी में बाहर से कोई पैथोजन आता है तो वो उसको ख़त्म करता है, आपको उससे बचाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम। अगर किसी इंसान का इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज है, कंप्रोमाइज का मतलब कमज़ोर है, तो उसको गैस्ट्राइटिस बार बार होता है। इसके अलावा दोस्तों जो टाइप बी गैस्ट्राइटिस होती है, जो कि आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, ऐसा देखा जाता है वर्ल्ड वाइड में, इंडिया में भी ज़्यादातर केस जो गैस्ट्राइटिस के आते हैं, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के, वो टाइप बी ही होते हैं, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही होने वाले केस देखने को मिलते हैं। कौन सी बैक्टीरिया कॉज करती है, बात करूँ, मैंने अपनी पहले की भी वीडियोज़ में डाला है आपकी जो नॉर्मल गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स हैं, उस वीडियो में आप डिटेल में देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस जो टाइप बी है, वो आपकी मोस्ट कॉमन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलता है। ये बैक्टीरिया आपके पेट में बार बार गैस्ट्राइटिस कॉज करती है, बार बार आपको पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकती है। अगर सही समय पर आप इसको इलाज नहीं कराते तो ये दोस्तों एक तरीके के कैंसर का भी कारण बनता है, ऐसा देखा गया है रिसर्च में। इसके अलावा अब बात करते हैं टाइप सी गैस्ट्राइटिस की। टाइप सी गैस्ट्राइटिस वो गैस्ट्राइटिस होती है जो कि आपको केमिकल्स की वजह से होती है। केमिकल्स की वजह से बात करूं, जैसे कि अगर किसी ने गलती से फिनॉल पी लिया, सल्फोरिक एसिड पी लिया, या फिर आप कह सकते हैं केमिकल्स में आपकी दवाइयां आती हैं, ड्रग्स। कौन कौन सी दवाइयां, मैंने अपनी पहले की भी वीडियोज़ में बताया है, ड्रग्स लाइक एनएसिड्स। एनएसिड्स मतलब ऐसी दवाइयाँ जो दर्द निवारक आमतौर पर कोई भी इस्तेमाल कर लेता है, मेडिकल स्टोर से लेके, वो क्षमता रखती हैं कि आपको बार बार क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कॉज कर सकें। जैसे कि कौन सी दवाइयाँ हैं, एस्पिरिन हो गया, सर दर्द हुआ, बुखार हुआ, आपके मेडिकल स्टोर वाले भैया ने आपको एस्पिरिन दे दिया, आप दोबारा गए, उन्होंने दूसरी नाम की दवा दे दी, आपको पकड़ा दिया, नेप्रोक्सन सोडियम, जो कि आपने बताया सरदर्द है, उन्होंने उसको दे दिया। इसके अलावा आप दोबारा गए, आपने बताया बुखार है, आपको उन्होंने पकड़ा दिया डिक्लोफिनेक, दर्द के लिए पकड़ा दिया। इसके अलावा आपको जो है आइबुप्रोफेन पकड़ा दिया। ऐसी दवाइयाँ जो लोग बार बार इस्तेमाल करते, लंबे समय से इस्तेमाल करते हैं, उनको बार बार गैस्ट्राइटिस दोस्तों होता है। ये थे गैस्ट्राइटिस के टाइप्स। अब बात करते हैं दोस्तों आखिर क्या क्या कारण और हो सकता है, इनके अलावा रिस्क फैक्टर कौन कौन हो सकते हैं। तीन तो यही रिस्क फैक्टर हो गए दोस्तों, आपकी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, इसके अलावा दोस्तों दवाइयां हो गई जो कि मैंने बताया एनएसिड दर्द निवारक दवाइयां, इसके अलावा दोस्तों ऐसे लोग जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, जो शराब मदिरा का सेवन करते हैं, उनको भी गैस्ट्राइटिस होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग का मतलब दोस्तों सिर्फ सिगरेट ही नहीं है, स्मोकिंग में आपका टोबैको भी आ जाता है। सुरती खाया आपने या फिर कोई और भी टोबैको वाली चीज़ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको दोस्तों गैस्ट्राइटिस का खतरा बना रहता है। इसके अलावा वो लोग जो हद से ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं, उनको भी गैस्ट्राइटिस होने का खतरा बना रहता है।
और बात करें दोस्तों रिस्क की, तो एक बढ़ती हुई उम्र, अगर किसी की उम्र बढ़ती है, आप देखें, आपने देखा होगा वो लोग धीरे धीरे कमजोर होते चले जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो पेट की दीवार मिकोसा है वो धीरे धीरे पतली होती चली जाती है, अंदर से एट्रोफी मतलब उसकी जो सेल्स है धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में भी गैस्ट्राइटिस या पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। इसके अलावा ज्यादा चॉकलेट का सेवन करते हैं वो भी खतरे पे रहते हैं, गैस्ट्राइटिस उनको या पेप्टिक अल्सर उनको हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की क्या है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, कितने तरीके की क्रोनिक गैस्ट्राइटिस देखने को मिलती है, इसके अलावा आपके क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं गैस्ट्राइटिस के लिए, ये हमने समझा इस वीडियो में। वीडियो में आप लास्ट तक बने हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।